हेलो। हाँ बाकू। अरे हेलो क्या हाँ बोलो भैया। अरे भाई अफू खान सर थी फोन क्यों नहीं उठाता तू। हेलो। हाँ अबे अफू खान सर से फोन क्यों नहीं उठाता है नशे में रहता क्या हमेशा। अबे मेरे को क्या आला जरा समझ रहा क्यों जो हुक्का पीता रहूंगा 24 घंटा। अबे मैं तेरे को इम्न तहमिया समझ रहा हूँ जो हाँ तो इतने वो तहमिया तेरा चलती थोड़ी ना सड़ा का था। ना स्वेटर था तरफ सड़ा की थोड़ी ना आला हजरत स्वेटर मलफूजात आला हजरत हयाते आला हजरत जाके उठा के देख लो हुक्का पीने के बड़ा शौकीन थे। और फतावर आदमी रजिया में उसके तो लिखा कभी हुआ है नहीं हुक्का जाता है पीना मुबा है मुबा माजल्ला। साले हुक्का पहना पीना कौन सा गलत काम है नशेड़ी सब देखो। नशेड़ी है सब बरेलवी जितने। हुक्का हाँ पीना कौन सा गलत काम है ये बात तो अल्लाह के नबी सुनो। ने कब पिया हुक्का। हाँ अल्लाह के नबी ने कब पिया दुनिया की हुक्का। अबे दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जो उस अच्छा आप जमाने में दुनिया नहीं याद आ होती गई तो इस हुक्का जमाने में दुनिया नहीं। है। साले तंबाकू तो खोरी नशा खोरी करते हो बताते हो दुनिया नशा है। तंबाकू तंबाकू जायज है खाना ठीक है आप दिमाग मत खराब कर। खाना चाहे नाउज़ुबिल्लाह। ये देखिए भाई ये है बिदती बरेलवी तूफान टीचर जो कह रहा है तंबाकू खाना तंबाकू चाहे। खाना नाजायज है ये साबित करती अल्लाह के नबी की हदीस है अबू दाऊद शरीफ की कि हर वो नशावर चीज जिसके खाने से इंसान की जो अक्ल है मारी जाए उसको चक्कर तंबाकू आए खाने से अकल वो मारी हराम जाती है तो और क्या। है। तंबाकू खाने से थोड़ी ना अकल मारी जाती है ठीक अबे तो जिसके अकल होगी उसकी मारी जाएगी ना। बरेलवियों की अकल ही कहाँ होती है जो मारी जाएगी। बरेलवी की तो औरतें भी तंबाकू खाती हैं। बना बना के बोल रही बरेलवी की तंबाकू खाने औरतें भी कहाँ दिए। तंबाकू खाती हैं। तंबाकू कोई भी खा सकता है ठीक है अबे वो बात दुनिया कह तो रही है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। तंबाकू के पैकेट के ऊपर बकायदा फोटो छपी हुई है और इसको तू बता रहा है खाना मेरे भाई हलाल है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। साले तंबाकू तुमको खाने तो से कैंसर नहीं होता। तुम्हारे ऐसे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे भाई ले जाके उल्टा लटका के चार जूते मारने चाहिए। अबे बेवकूफ अबे आदमी तंबाकू खाना तंबाकू जायज है। अभी मैं देखो तेरे से कहूँ तंबाकू तंबाकू खाने से कैंसर हो जाएगा और तू तंबाकू खाएगा कह देगा जायज है। तंबाकू खाने से कैंसर अरे होता भाई तो गवर्नमेंट बैन कर देती इसको ठीक है। हाँ तो गवर्नमेंट तो उसको बेच रही है ना लेकिन बकायदा हाँ प्रचार सर के साथ उसपे लिखा हुआ है ना बड़ा बड़ा तंबाकू अबे वो सब तो ढोंग में दूर है खाने ठीक से है। कर्क रोग होता है। ये सब साले क्या पढ़े लिखे नहीं हो क्या अंधे घामड़। अबे वो लिखने से क्या होता है सब झूठी अच्छा बातें लिखने हैं। से कुछ नहीं होता है तो भाई आला हजरत की सारी बातें मेरे भाई झूठी हो गई लिखी हुई। अबे बेवकूफ आदमी तंबाकू से अबे तो कैंसर भाई आता आला थोड़ी हजरत होता देखिए अभी तो आपने सब सुन कैंसर बनाया आता है होता है। लिखी हुई बातें झूठी होती है सब। तो आला हजरत नहीं ने मेरे भाई गवर्नमेंट जितनी बातें लिखी हुई है गवर्नमेंट ने ऐसा झूठा झूठा दिखा है ठीक है। माज अल्लाह भारत की सरकार की बेइज्जती करते हो सरकार का मेरे भाई अपमान करते हो कहते हो सरकार ने सारी बातें झूठ लिखी है। भाई कितने बड़े बेवकूफ नालायक हो आदमी यार तुम तुम भारत नालायक देश हो। के संविधान का अपमान करते हो। मुझे बताओ तंबाकू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाँ अरे बिक तो शराब भी रही है तो क्या उसको तंबाकू वो हलाल बन कह रहा है कि दोगे। नहीं बन रहा है बन नहीं रहा है नहीं कि नहीं यानी बन कि रहा जो है। चीज मार्केट में मेरे भाई बिक रही है बरेलवी के वहाँ वो जायज है। यानी कि अगर मेरे भाई जो सुअर है सुअर बेचा जा रहा है जो शराब है शराब बेची जा नहीं रही नहीं है नहीं बरेलवी तूने के वहाँ हलाल है। जो चलो भाई बात तुम्हारा कही उसूल तुम्हारे ऊपर उससे लागू हो गया। कैंसर अबे बिल्कुल तू उसूल तू बना रहा है ना मैं तो तेरे अरे से यार सवाल कर तुम्ही रहा ने तो हूँ। कहा ना मेरे भाई। ये मैंने बोला ही नहीं मेरे को जबरदस्ती जो है ये चलिए अपनी बात आपने मेरे मुंह में दावा डाल किया रहा है है ठीक है। तंबाकू खाना जायज है। मेरा चलिए दावा हदीस ये पढ़ है दीजिए कौन से तू सहाबा तंबाकू खाते नाजायज थे। अरे साबित करना तू नाजायज साबित कर। दावा तुम कर रहे हो दलील तुम दोगे या भीख में हमसे मांगोगे। हमने तो अबू दाऊद की हदीस पेश कर दी ना। उसमें कहा तंबाकू का लफ्ज है अबे नशावर चीज है ना। नहीं है नशावर मैं नहीं मानता। अच्छा तंबाकू को नचा नहीं आता। चल अपने वहाँ के मेरे भाई अपने वहाँ के मेरे भाई 4-5 साल के बच्चे को जरा तंबाकू उसको खिला दो ना चक्कर आ जाएगी मेरे भाई ना बेहोश हो जाए अबे तो तो कहना। 4-5 साल के बच्चे को तो दूसरी चीजें भी खिला दो तो नशा अच्छा आए अच्छा जो है नहीं चक्कर चार पांच आएगा साल के बच्चों को दूध पिलाओगे तो उसके चक्कर नहीं आ जाएगा। तंबाकू खिलाओगे चक्कर आ जाएगा। क्या यार काफी तूफान कड़वा होता टीटियस है। जाहिल आदमी। 4-5 साल के बच्चे को तो मिर्ची खिला तो अरे उसको चार चक्कर आएगा नहीं नहीं मिर्ची तो खाने में चक्कर नहीं आएगा। कौन बोला मिर्ची खाने में चक्कर आएगा। आएगा अबे उसको आओ अगर अपने बच्चे को। मिर्ची नहीं खिलाते मेरा बच्चा मिर्ची खाता है अल्हम्दुलिल्लाह आओ लेकिन तंबाकू नहीं खाता है बरेलवियों के बच्चों की तरह। अबे बरेलवी के बच्चे तो देखो पैदा होते ही बीड़ी पीने लगते हैं साले बीड़ी बाज। बीड़ी अबे पी देखो पी के बात तुम लोगों ने नहीं फेफड़े अपने जला लिए हैं।
बेवकूफ, बीड़ी पीने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। अच्छा बीड़ी पीने, अच्छा बीड़ी पीना भी मेरे भाई हलाल है बरेलवी के वहाँ। अल्लाह अकबर। मतलब जो बरेलवी बिदती है उनके वहाँ तंबाकू खाना हलाल है, बीड़ी पीना हलाल है। अब खाली शराब बची है, वो भी चार दिन बाद अपने ऊपर हलाल कर लोगे। चलो भाई ठीक है। बेवकूफ, उसमें कहाँ लिखा है वो तो? अच्छा जो गांजा, गांजा मेरे भाई चुंगना मेरे भाई तुम्हारे वहाँ हलाल है हराम है ये भी बता दो? गांजा सूंघना तुम्हारे वहाँ हलाल है या हराम है? जिस गांजे से नशा नहीं होता वो गांजा है। तो भैया हाँ, तो ऐसा ऐसा कौन सा गांजा है जिसमें मेरे भाई नशा नहीं होता? तुम्हारी अम्मा बनाती है ऐसा गांजा? अबे बेवकूफ, आदमी ऐसी चीजें भी मिलती नहीं? अबे तो ऐसा कौन सा गांजा है जिसमें मेरे भाई नशा ना हो? ये देखिए बरेलवी विदती, विदती बरेलवी कह रहा है कि गांजे में नशा नहीं होता। तौबा तौबा, सुन सुन सुन, अबे आज खत्म कर दी यार। सुन, नहीं ऐसा जो गांजा है जिसमें नशा नहीं होता, तुम्हारी अम्मी जान दहेज में लेके आई थी क्या ऐसा गांजा? अबे बेवकूफ आदमी, हर चीज में क्वालिटी होती है। अच्छा मतलब तुम्हारे वहाँ जैसे मेरे भाई बिदत होती है, अच्छी बिदत और बुरी बिदत, वैसे तुम्हारे वहाँ अच्छा गांजा और बुरा गांजा। समझ गए भाई? गांजा गांजा हंसना, गांजा सैया, यानी कि गांजा मेरे भाई अच्छा गांजा और गांजा सैया यानी कि बुरा गांजा। चलिए भाई बरेलियों के बाद अच्छा बुरा हम समझ गए। यार तूफान भाई, नशेड़ी नशा हराम है दीन इस्लाम में और तुम कह रहे हो कि हलाल है। अस्तगफुरुल्लाह। अबे तो नशा है तो साबित करना तो। अबे कल को तुम कह दो कि पूरी दारू की बोतल पीने के बाद भी नशा हमको नहीं आता तो क्या हलाल हो जाएगी शराब तेरे ऊपर, पागल आदमी? शराब का हुक्म अलग है। अच्छा शराब, अच्छा नहीं, एक कोई शराबी आके गए कि भाई दो पैक में मेरे को नशा नहीं आता है तो क्या शराब पीना उसके लिए जायज हो जाएगा? अभी शराब जो है ये, हाँ अब आया, अब अपने उसूल पटका ना, इसीलिए कह रहे बेटा इल्म हासिल करो, अहले हदीस से निपटने के लिए कम से कम 20 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी भी औकात नहीं है अहले हदीसों से इल्म की बात करने की। जाहिल आदमी, मैं ही तुझसे कह रहा हूँ कि तू लिखा हुआ पता मेरे को साबित कर। अबे कुरान जाके पढ़ के देख ले, सूरह अल माईदा में आता है कि जो शराब है वो बुरी चीज है और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्ने माजा की हदीस है कि शराब हर बुराई की कुंजी है। हाँ तो शराब के बारे में तो हम भी मान रहे हैं, उसके बारे में कैसे? अरे तो नशा मेरे भाई तंबाकू में नहीं है, सिगरेट में नहीं है, बीड़ी में नहीं है। चल तू लिख के दे दे, लिख के दे दे फतवा। किसने बोला? अच्छा नहीं है, हुक्का पीना मुबाह है। अच्छा हुक्का पीना मुबाह है, अच्छा यानी कि मेरे भाई, चलिए ठीक है। आज ये साबित हो गया कि जो बरेलवी बिदती है, बरेलवी लोग के बाद जो हुक्का होता है, बीड़ी होती है, तंबाकू होती है, सिगरेट होती है, गांजा होता है, हीरोइन होता है, चिलम होती है, इनमें नशा नहीं होता।